नबी का मिलाद मनाने वालों, अलीपुर की सरजमी पे बैठ के अल्लाह की इज्जत की कसम, कायनात के 22 सलात मुरब्बील पे हुकूमत करने वाला वो जर्री इंसान जिसे कायनात अदालत के शहनशाद के नाम से याद करती है, जिसका नाम सुन के कुफार पे लर्जा तारी हो जाया करता था। आपका गुजर एक रास्ते से होता है, एक पत्थर सामने था, फरूके आजम अपना घुटना उससे मस करते हुए गुजरते हैं, सिहाबा साथ हैं, यार साथ हैं, दोस्त साथ चल रहे हैं। सवाल किया, ए अदालत के शहनशाह, ए अमीरुल मोमिनीन, ये जगह ऐसी नहीं थी, ये पत्थर क्यों मोतबर है, आपने अपना घुटना क्यों मस किया? आओ नबी की सुन्नतों पे अमल करने वालों, तारीख के अंदर जवाब क्या देता है अदालत का शहंशाह फारूक आजम कहते हैं, सहाबा बात तो आपने बड़ी प्यारी कही, लेकिन मेरी गुनागार निगाहों ने एक मंजर देखा, मेरे मुस्तफा इस रास्ते से गुजरे थे, आए एक पत्थर से आपका पाँव फिसला, आपका घुटना इस पत्थर से मस हुआ था। आज फारूक आजम का दिल कर रहा था इस रास्ते से गुजरते हुए मुस्तफा की सुन्नत को ताजा करता चलूं। साहिबानी जी कदर, आज मेरे नबी की सुन्नत पे अमल करके कोई गमकोल का शहनशाह बनता है, कोई सियाल का ताजदार बनता है। वजह क्या है? किसी को काफी करो उसके लिए बैरूपिये का लफ्ज आता है, लेकिन जो मेरे मुस्तफा के नालायन से व्यवस्था हो गए, अल्लाह की इज्जत की कसम, किसी ने किसी को मुआज़्ज़िने रसूल का लकब मिला, किसी को दुनिया में रहते हुए जन्नती होने की बशारत मिली, किसी को क्या बशारत मिली? ये वो लोग थे आका जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद के हमें अनमोल कर दिया, आज भी जरूरत इस अमर की है, आओ मिलाद इस बात का तकाजा करता है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करने वालों, आज के दौर के अंदर कहा जाए तो कहते हैं जी दीन पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, दीन पे अमल बहुत मुश्किल है। साहिबो चश्मे तसव्वुर के अंदर उस मंजर को लाओ, आज के दौर के अंदर तो अगर सर्दियों का मौसम है मस्जिद के अंदर चले जाओ, गर्म पानी वुजू के लिए मिलेगा, आप मस्जिद के अंदर कमरे के अंदर जाते हैं, हीटर चल रहा होगा, अगर गर्मी है एसी चल रहा होगा, एक बड़े बड़े कालीन पड़े हुए सजदे के लिए, आओ करबला की तपती हुई रेत पे सजदा करने वाले हुसैन से पूछो दीन पे अमल करना उस वक्त मुश्किल था या आज मुश्किल है? आओ सैयदना बिलाले हबशी से पूछो उमैया बिन खल्फ तपती हुई रेत पे देखते हुए कोयलों पे लटा के इस अंदाज से बांध रहा है, पीठ की चर्बी और गोश्त पिघल जाता है, जुबान पे कलमा है अहद अहद। सिद्दीक अकबर गुजरे ना, कहा बिलाल कह दो मैं मोहम्मद के दीन का इनकार करता हूँ, दिल में नबी की मोहब्बत रखो। आओ बिलाल ने क्या जवाब दिया था? अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख आज भी गवाह है, मेरे मुस्तफा मेराज की शब जब वापस आए ना, मेराज से हो अर्श मुअल्ला से होके जमीन पे आए, कहा बिलाल मुझे बता तो सही तू वजीफा कौन सा करता है? अर्ज की आका कैसे? कहा मैं जिब्रील के साथ जन्नत की सैर कर रहा था, अर्श पे खुरामे नाज कर रहा था, मुझे अपने आगे चलने की आवाज आ रही थी, मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? कहा आपकी मोहब्बत में तन मन धन लुटाने वाला बिलाल, रब को से इतना प्यार है, रब्बे लम यजल उसके कदमों की आहट अपने अर्श पे चलना पसंद करता है, महसूस करना पसंद करता है। तो साहेबो दीन पे अमल करना उस वक्त मुश्किल था जब अमार बिन यासर ने अपना अपना तन कुर्बान किया था, आज हम आसानी से कह देते हैं दीन पे अमल करना मुश्किल है। साहेबो अगर नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, आओ मिलाद इस बात का तकाजा करता है, जब अल्लाह के घर से हैया सला हैया अल फलाह की सदा बुलंद हो, दुनिया के तमाम मामलात छोड़ के